तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुविकल्पीय का ये पार्ट वन, जो सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी अब ये सीरीज चलेगी। ये पार्ट वन होगा बहुविकल्पीय का, और लगभग जितने भी अभी तक 2019 तक जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो में। ये बहुविकल्पीय की पहली होगी, एक अति लघु की आएगी, एक लघु की आएगी और एक विस्तृत की आएगी। सभी सब्जेक्टों की इस तरीके की आपकी वीडियो बनाई जाएंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब उसमें बताए जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं फटाफट। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है क्या है? न्यूटन प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2008 13 14 15 और 18 में अभी तक आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करने में कोई आपको इतनी दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको इससे एक नंबर मिलेगा तो आपको इसमें याद करने में क्या दिक्कत है बताइए? बिल्कुल, सिर्फ 10 मिनट नहीं लगेंगे इन 12 क्वेश्चनों को याद करने में, आपको 10 मिनट लगेंगे नहीं। तो आपको एक कसम देते हैं आज हम, जब तक इन प्रश्नों को याद ना करने तो खाना मत खाना, ठीक है। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको नंबर दिला देंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। 12th दोबारा नहीं होती, सिर्फ एक ही बार पेपर देना होता है। नंबर टू पढ़ते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक है क्या है? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और ये आपका 2007 11 और 14 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, आगे भी पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बिल्कुल छांट कर आपके लिए आए गए हैं, उम्मीद है कि आप इसको याद कर लें, आगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे आपके नंबर जब भी आएंगे। अभी टाइम है आपके पास, अभी आप अच्छे तरीके से नहीं याद कर सकते हैं। थर्ड है, वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वी डी में संबंध है। चार ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे तो आपको जे बराबर एन ई ए वी डी जो है अपना उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और ये आपका 2011 13 और 15 के बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इसके आगे 2020 भी लिख दिया जाए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लें अच्छे तरीके से, भरोसा करें, एक बार, एक ही बार कर सकते हैं आप। तो प्रतिरोध की विमा है क्या? विमा है उसकी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये पावर है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। आप इसको इस तरीके से याद करें, 3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो भूलेंगे नहीं। 2013 15 और 17 में ये आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है क्या? मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको प्रति भी लगा सकते हैं और लिखा हुआ है यहाँ। तो 2005 7 और 13 में ये आ चुका है। कब पढ़ेंगे आप? आपसे किस किसने नहीं कहा पढ़ने के लिए? आज तो मैं भी सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ, अकेले आपसे बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अभी याद कर कर छोड़ें, कॉपी पर नोट करें, हाथ पर नोट करें, जहाँ भी आप नोट करके लिखें याद करें बढ़िया तरीके से। नंबर 6 है, किस मीटर का प्रतिरोध सबसे उच्चतम होता है? आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर, आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर। और ये आपका 2008 10 15 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, 7, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकंड, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकंड, अभी बोलो इसको 3 बार, वीडियो को रोककर अभी बोलो इसको 3 बार, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकंड। और ये आपका 2010 13 15 में आ चुका है। नंबर 8 पर आते हैं, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए होती है? लाल रंग के लिए होती है, ये तो आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। और ये देखिए क्वेश्चन अगला, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है कैसी होती है? आपको बताना होगा अभिसारी। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है बोलो अभिसारी। और ये आपका 2006 17 और 18 में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10,
हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं, आपको बताना होगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव होती हैं, ठीक है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2007, 13 और 2016 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो कोई हार्ड नहीं आपके लिए एक लफ्ज़ याद करना, तो बिल्कुल अभी याद करें। नेक्स्ट है 11, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 2008, 13, 14, 16, 17 में अभी तक आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें, छोड़ने की कोशिश ना करें। और 12 क्वेश्चन सभी को याद होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है कितना? होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। और ये आपका 2008 और 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 12 के 12 प्रश्न आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करने में आप देर करेंगे नहीं, आगे भी इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए देते रहेंगे। और जो भी आपको जिस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।